आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के बीच एक न्यू ब्लॉग बनने वाला है। हमारे संतू भैया जी जो आए हैं आज, मतलब आप लोगों को एक आध दो शायरी सुनाएंगे, वन साइड लव के लिए भी और कुछ रक्षाबंधन के लिए भी एक शायरी इन्होंने बहुत ही मतलब मेहनत करके लिखा हुआ है, तो आप लोग इनसे थोड़ा इनका शायरी आप लोग सुन सकते हैं। संतू भैया सुनाइए आप लोग दोस्त, कौन वाला रक्षाबंधन पे मार लीजिए ना। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ कि राखी में आप लोग सतर्क हो जाइएगा। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, आजकल कोई भी अनजान लड़की आपको गिफ्ट दे तो उसको ना लें, उस गिफ्ट में राखी भी हो सकती है और आपकी छोटी सी लापरवाही आपको भाई बना सकती है। अरे वाह वाह भैया, आपने अभी जो अभी दो शायरी आपने मारा ना, काफी कमाल का शायरी था। एक ऐसा शायरी मरी ना जिसकी भी मतलब गर्लफ्रेंड, जैसे मान लीजिए मेरी जो मुझे छोड़ कर गई है, वो सुने तो उसके आंख में आंसू आ जाए। कोई ऐसा शायरी मुझे धमाकेदार जो कि इंडिया हिल जाए। अच्छा लाए वो मार देते, क्या दिक्कत हमारा, जितना कहो उतना मार दे। मारिए मारिए थोड़ा एकदम। मुझे पूरे संसार में सिर्फ तुम ही अच्छी लगी, इसीलिए तुझे अपना माना था। मुझे पूरे संसार में तुम ही अच्छी लगी, इसीलिए तुझे अपना माना था। और मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों की जब छोड़ के मुझे अकेले जाना था। मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों की जब मुझे छोड़ कर अकेले जाना था। अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगा। वाह वाह, जो अभी आपने शायरी मारा वो मतलब बहुत ही लाजवाब था। ठीक है, तो एक ऐसा शायरी मारिए जैसे कि आप मेरे को ही ले लीजिए, वन साइड लव के लिए। अच्छा। जो कि आजकल की लड़कियां बहुत सारी बोल रही है, खुश नसीब होगा जो भी मुझे पाया। अच्छा, मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसे बोल रही है, कोई ऐसा शायरी मारिए किस तरह। हाँ तो पवन भैया ठीक बोला है, जो ये लड़कों का मतलब गिर जाएगा और तुम्हारा बाजार गिर जाएगा। साला वो लड़का खुश नसीब होता, अगर वो लड़का खुश नसीब होता तो क्यों रोता, वो स्टेटस पे क्यों रोता, वो भी उसके तरह चैन का नींद सोता। और तेरे जैसे तो छिपकलिया लड़कों का जिंदगी बिगाड़ देती है, वरना वो भी एक बिहारी किसी डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट होता। वाह सर वाह, राजा एक तुम भी शायरी बोल दो। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का सुगंध देना चाहिए। वाह वाह, संतू भैया का वीडियो जरूर देखना चाहिए। वाह।